खेलों के लिए जज्बे की ना कोई उम्र होती है ना हौसले की कोई सीमा, ये बात भिवानी के कुशल घणघस के लिए कही जा सकती है जो दो जवान बेटे की माँ हैं। लेकिन रेसलिंग के रिंग में इनके दाव का दम देखने लायक होता है। इसी दमखम ने कुशल घणघस को ग्रैपलिंग रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल दिलाया है। बहू की जीत से खुश परिवार वालों ने रेसलर बहू का जोरदार स्वागत किया। ये रेसलिंग ग्रैपलिंग के गेम थे, नेशनल टूर्नामेंट, मेरे को गोल्ड मेडल मिला। नहीं देखो, मेरा है ना एक मतलब एजुकेटेड फैमिली में शादी हुई है और मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही ज़्यादा, मतलब लिमिट से भी ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे को, मतलब अपने बच्चों की तरह खर्चा लगा कर पैसे पढ़ाया लिखाया है। और कभी किसी चीज़ पर कोई प्रतिबंध नहीं था, इतना ये निकला वो निकला। मैंने पहले मेरे सर्विस के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया, मेरा बहुत बहुत साथ दिया है। कुशल की उपलब्धि न सिर्फ एक संदेश है बल्कि बदलाव की वो हवा है जहां बेटियों के साथ बहुएं भी खेल के मैदान में छाने लगी हैं। सेकेंड नेशनल ग्रैपलिंग रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ था, जहां हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए एमपी की खिलाड़ी को पटकनी देकर कुशल ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया और समाज और प्रदेश के लोगों के लिए मिसाल कायम करने का काम किया।